ये जो मर्सिडीज दिख रही है आपको, वो इंडिया की पहली मर्सिडीज है, इंडिया की फर्स्ट मर्सिडीज ही वाली। ट्रिक्स और फ्लिप्स के जो वीडियोस थे ना, यहाँ पे सीखता था। बाकी ये कार तो बड़ा भयानक लग रही है यार। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। फिलहाल तो अभी मैं आया हूँ सीज किंग, जहाँ हम पहले रहते थे। तो यहाँ पे मैं जीव को छोड़ने आया था, और फिलहाल अभी मेरे को जाना है बाल वाल कटाने, क्योंकि देखो बाल अजीब से हो रखे हैं। बस मैं नहाए भी नहीं हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हुआ चेहरा, बस खाली ब्रश किया और आ गया। यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, मतलब यहाँ पे करीब। मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे 4 से 5 साल मैं रहा हूँ, मतलब मेरा जो ग्रोथ था ना, धीरे धीरे जो भी हुआ है वो यहाँ रह के हुआ था। तो बहुत सही लग रहा है यहाँ के, वापस पुरानी यादें ताज़ा हो गई, इधर घूमता रहता था। तो मैं दिखाते हैं यहाँ पे क्या। तो फिलहाल तो अब ये देखो, ये है पीछे वाला एरिया। तो ये सामने से भी घर ऐसे ही दिखता है और पीछे से भी ऐसे ही दिखता है, बाकी क्या सही बना रखा है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ना मैंने बहुत सारे अपने डांस वीडियो शूट करे, काफ़ी सारे। ये वो जगह जहाँ पे मैंने शूट कर रहा था। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए थे यहाँ पे, मैं प्रैक्टिस करता था भाई, जो ट्रिक्स और फ्लिप्स के जो वीडियोस थे ना, यहाँ पे सीखता था। अभी भी थोड़ा सा घास फास अजीब सा हो गया, लेकिन भाई बहुत मज़ा आता था यहाँ पे प्रैक्टिस करने में। और यहाँ से एरिया कुछ ऐसा दिखता है सामने से। ये जो मर्सिडीज दिख रही है आपको, वो इंडिया की पहली मर्सिडीज है, इंडिया की फर्स्ट मर्सिडीज ही वाली। वाओ, इनके पास है भाई, इनके पास, मतलब खतरनाक। Much, much, much later. फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, सेटअप वेटअप सब तैयार है मेरा, तो आप थोड़ा सा मोटो व्लॉग एंजॉय करो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, माइक चेक करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो गाइस फाइनली मैंने कैमरा स्विच कर लिया, होपफुली आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो चलते हैं अभी, और जल्दी से पहले बाल कटवा करके आता हूँ। भाई ये सब जगहों की ना बहुत याद आती है, पहले ना इधर ही घूमते थे, इधर ही मस्त खेलते थे, इस रोड में खेलते थे अपन बैडमिंटन वगैरह जो भी हो, क्रिकेट वगैरह सब इधर ही खेलते थे हम। बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया मेरी डांस प्रैक्टिस एंड देन फ्लिप्स की प्रैक्टिस वगैरह मैं कहाँ पकड़ता था। ये क्या हो गया भाई, पेड़ क्यों गिर गया? आंधी तूफान के बिना ही पेड़ गिर गया भाई। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा सीस के मैं, काफ़ी टाइम बाद कहीं और आते ना अपन, तो भाई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, और काफ़ी अच्छी मेमोरीज है भाई इधर तो। तो ये है बगड़िया वन, मुझे बाल कटवाने होते हैं तो मैं यहीं आता हूँ। एक सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा सैलून, यहाँ पे एक छोटा सा टीवी लगा है भाई, मस्त चिल मारते रहते हैं। तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। Few moments later. चलो यार फाइनली यहाँ से फ्री हो गए बाल बाल कटवा के, भूख लग रही है अब तो तेज। मैं तो नहाऊंगा ना अभी उसके बाद। तो ये है पूरा एरिया देख लो, है ना मस्त। ये कह रहे कैमरा वाला आ गया, कैमरा वाला आ गया। चलो जी आपको मिलता हूँ मैं नहा के। तो फाइनली मैंने नहा भी लिया है, टी शर्ट वही पहन रखी मैंने क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टी शर्ट लाया नहीं।
अब चलते हैं घर, धूप आ गई है यहाँ पे तो। चलो भाई टाइम आ गया इसको अलविदा बोलने का, ठीक है बाय। तो फाइनली गाइस अभी दिन के 12 बजने वाले हैं, यहाँ से मैं कोई और रूट पकड़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे जाना है एक मस्त रास्ते से। यहाँ पे लेफ्ट साइड में फास्ट फूड का एक वो रहता था स्टॉल, जिस कोने पे लगाता था वो, क्या मस्त बनाता था वो। ये है डियर पार्क मेरे जो लेफ्ट साइड में है ना, इधर ना बहुत सारे हिरन है। थोड़ी ट्रैफिक बढ़ गई है, अब रास्ता बदल चुका है गाइस, थोड़ा सा आगे जा करके मैं यू टर्न लेने वाला हूँ। एक सर्किल है यहाँ से और सामने ये देखो जयपुर का जो स्टेडियम है ना, जो IPL मैच हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, वो मैच सामने दिख रहा होगा, वो लाइट्स दिख रहे होंगे ना, तो वही है। तो यहाँ से मुझे यू टर्न लेना है, मुझे ना इस फ्लाईओवर से जाना था क्योंकि मुझे ये वाला फ्लाईओवर बहुत सही लगता है। इस फ्लाईओवर से पूरा जयपुर देख सकते हो आप। जहाँ से मैं अभी आया हूँ दोनों बिल्डिंग के बीच में से जा सकता हूँ। ये थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर करने में मेरे को मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है। इस तरीके की थोड़ा सिनेमैटिक व्यू में मजा आता है भाई, रात को तो और खतरनाक लगता है ये। वैसे देखा जाए ना तो जयपुर अभी 2-3 सालों के अंदर ना काफी ज्यादा डेवलप हुआ है, और हो भी रहा है भाई साहब, ये सब बिल्डिंग तो थी नहीं पहले। अब ये फ्लावर आगे जा करके यहाँ मिक्स हो जाता है और आगे जा करके खत्म होता है। तो यहाँ पे ये फ्लावर खत्म होते हुए, और हाँ आज के व्लॉग में आपको डांस क्लासेस के कोई फुटेज देखने को नहीं मिलेंगे, आने वाले व्लॉग्स में अभी फिलहाल तो नहीं दिखेंगे रेड लाइट भाई। तो गाइस यहाँ से मेरे को डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा अगर थोड़ा सा जल्दी पहुँचना है तो। कैमरा भी थोड़ा धीरे धीरे हीट हो रहा है यार, फिर से मेरे को वीडियो थोड़े थोड़े पार्ट में शूट करना पड़ेगा। ग्रीनरी देख के तो मजा आ गया भाई, तो मैंने फिर से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। मेरे को रास्ता याद रहता ना, ट्रैफिक से बचने के लिए मेरे को ये सब पैतर आजमाना पड़ता है। अरे यार ये तो मैं वहाँ आ गया, वैशाली नगर अक्षरधाम मंदिर, ये देखो श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जयपुर, अभी तो बंद है फिलहाल, शाम को सुबह खुलता है बस, जय भगवान जी की। बट मंदिर काफी प्यारा है यार, आगे जाके फिर से रूट चेंज करना पड़ेगा। ट्रैफिक से बचने के लिए रूट चेंज कर देते हैं, रास्ता ही बदल लेते हैं भाई, यहाँ से रास्ता फिर से बदलेगा अपन। GoPro की बैटरी भी लो हो रही है, आगे जाके चेंज करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पे छाँव है भाई, एक काम कर दो यहीं पे बैटरी बदल लेता हूँ मैं। चलो जी फाइनली बैटरी भी चेंज कर ली इसकी, ये देखो। कार तो बड़ी शानदार लग रही है यार। बाकी ये कार तो बड़ा भयानक लग रही है यार। मैं फिर से अपना रास्ता बदल लिया भाई, ऐसे रास्ते बिल्कुल अलग वाइब देते भाई साहब, चारों तरफ ग्रीनरी होता है, ऐसे रास्ते होते हैं तो राइड करने में भी मजा आता है। ओ भाई ये खड़े खड़े अपना काम कर रहा है इधर, इतनी बार आ गया हूँ मैं लेकिन हॉर्सेस को इतने पास से नहीं देखा। वाह कितने ज्यादा हट्टे कट्टे और मजबूत दिख रहे हैं यार ये। चलो भाई लोग चलते हैं, मस्त भाई मस्त, अच्छा लग रहा है यहाँ पे राइड करने में तो। कैमरा बंद हो रहा है भाई बार बार। ओ भाई गाय माता जी मारना मैं तेरी रोड के बीच में। ओ भागो भागो भागो, कितनी भयंकर बकरी है, इतनी लंबी लंबी मॉडल जैसी भाई साहब। तभी मैं इनको मॉडल्स बुलाता हूँ इधर। अभी 2-3 दिन पहले ना बहुत सही मौसम था भाई, आज मौसम ने साथ नहीं दिया मेरा, भयंकर धूप है भाई साहब भयंकर। फाटक महाराज जी तो भाई खुले हैं, मैं फटाक से निकल लेते पतली गली से, नहीं तो भाई लटक। तो फाइनली मैंने रेलवे क्रॉसिंग भी क्रॉस कर लिया है, यहाँ पे भी आपको थोड़ी ऐसी ग्रीनरी देखने को मिलेंगी। और हाँ फाटक पे मैं रुका नहीं यार भाई, बच गए। हेलो जी फाइनली घर पहुँच गया, और कैमरा जो है ना मेरा इतना ज़्यादा आग बबला हो रहा है भाई, इतना हीट हो रहा है ना कि क्या बताऊँ, बार बार बंद हो रहा है, इसलिए फोटोज थोड़े कट कट के मैंने ऐड करे घर वाले, कोई बात नहीं। तो भाई गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, और अभी बहुत जोर से आंधी चल रही बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखा है, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड जरूरत मतलब की हेल्प हमेशा करना, ओके okay?